हेलो, हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रैक मेडिको। सो जैसा कि सभी लोग को पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो भी कॉन्सेप्ट डिस्कस करने थे नीट के अकॉर्डिंग या फिर नीट के लेवल पे, वो सारे कॉन्सेप्ट जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग देख चुके हैं, है ना। जो लास्ट वीडियो मैंने आप लोग को बताया भी था कि जाके प्रीवियस 9th लेक्चर में कि सिर्फ एक वीडियो और बची है, उसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कुछ देखेंगे जो हम लोग को आइडेंटिफाई कर सके, जिससे कि हाँ किस टाइप के या किस बेसिस पे क्वेश्चन जो है वो नीट में पूछे जा रहे हैं। सो आज की वीडियो जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की लास्ट वीडियो है। कॉन्सेप्ट्स आपके ऑलरेडी लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 9 तक बता दिए गए हैं। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी हो तो वो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी देख सकता है। और साथ में ही अगर ये URL आप एंटर करेंगे www.youtube.com/c/crackmedico, सो उसके अंदर मैंने प्लेलिस्ट भी बना के रखा हुआ है, तो प्लेलिस्ट में भी आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सारे 9 लेक्चर जो है वो एक साथ देख सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, अगर आपके लिए हेल्पफुल हो, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि वो लोग भी बेनिफिट ले सकें। और नेक्स्ट कुछ अनाउंसमेंट भी हैं जो मैं वीडियो के लास्ट में जाके आप लोग को बताऊंगा। और इम्पॉर्टेंट थिंग कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, बीच में ही छोड़ छोड़ के वीडियो को ना देखा करें, है ना। ताकि क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बीच में मैं डिस्कस करता हूँ या फिर जो लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस होते हैं, तो वीडियो को एंड टू एंड आप लोग देखने की कोशिश करें। ओके, सो आज लास्ट लेक्चर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से देख रहे हैं। उसके बाद नया टॉपिक कौन सा मैं स्टार्ट करूँ, ये नाम जो है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि फिजिक्स पार्ट 2 में नेक्स्ट टॉपिक कौन सा स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, अगर आप लोग का रेफ़र कर देंगे, अगर आप लोग नाम बता देंगे तो बहुत अच्छी बात है, मैं उसी की वीडियो से स्टार्ट कर दूंगा। अदरवाइज़ फिर मैं अपने अकॉर्डिंग जो भी मैंने टॉपिक डिसाइड किया है वो मैं आप लोग को अनाउंस कर दूंगा। ओके, चलिए। सो हम लोग देखते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कुछ। सो मान लीजिए, है ना, पहला क्वेश्चन आपको गिवन है जो कि आपका नीट 2011 में आया हुआ था। ठीक, इसमें क्या कहा गया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट x, y, z इज इक्वल टू 4x² वोल्ट। देन फाइंड क्या करना है, देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1, 0, 2 क्या होगा। ठीक है, ऑप्शंस आपको गिवन थे। पहला ऑप्शन क्या गिवन था, 8 मीटर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। बी ऑप्शन आपको गिवन है, 16 मीटर एलॉन्ग निगेटिव एक्स एक्सिस। सी आपको गिवेन है, 8 मीटर एलॉन्ग निगेटिव एक्स एक्सिस। एंड डी आपको गिवेन है, 16 मीटर एलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, ये आपको ऑप्शंस गिवेन है ना, क्वेश्चंस आपको ये गिवेन है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं कितना ईजी है और कितना सिंपल है। मैंने बताया था यहाँ पे आपको गिवन है पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ x², तो हमने बोला था कि ex कंपोनेंट आपका क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ dv/dx। जब इसको पोटेंशियल को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, माइनस का 8xi। अब देखिए, माइनस 8xi से मतलब क्या होगा, ये माइनस साइन आपका क्या डिनोट कर रहा है, निगेटिव एक्सिस, और किसके बिलोंग, सॉरी ये नहीं, ये तो आपका एक्स ही है, और किसके अलोंग, ये आपका यानी कि एक्स एक्सिस। ठीक, यानी यहाँ से आप देखेंगे तो आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 8 मीटर अलोंग विद निगेटिव एक्स एक्सिस। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, है ना, डी आपका नीट 2008 का क्वेश्चन है ना। दूसरा क्वेश्चन, इसमें क्या कहा गया कि द मीन फ्री पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मेटल इज 4×10⁻¹⁸ मीटर। ठीक,
देन क्या करना है, द इलेक्ट्रिक फील्ड विच कैन गिव एवरेज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू इलेक्ट्रॉन इन मेटल विल बी, यानी यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो आपको पता है कि इज इक्वल टू होता है वी अपॉन डी, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है, बट पोटेंशियल कितना गिवन है 2, और डी कितना है 4 × 10⁻¹। यानी यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5 × 10⁷ वोल्ट पर मीटर, ये आपका आंसर हो गया। तो अब देखिए कितने सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये आपका जो है वो नीट 2015 में पूछा गया है। क्या कहा गया है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ सर्टेन रीजन इज एक्टिंग रेडियली आउटवर्ड एंड गिवेन इज इक्वल टू ए ए, ठीक है, वेयर ए इज रेडियस ऑफ स्फीयर। अब देखिए इसमें आपको क्या बोला गया है कि ये आपका कोई एक स्फीयर है, ठीक है, इसके अंदर जो चार्ज है वो आपका क्यू है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, रेडियली आउटवर्ड है, ठीक, इस तरीके से ई, और ये ई है किसके बराबर, ए के, और ये रेडियस आपको ए गिवन है। तो गॉस लॉ से अगर आप देखें, गॉस लॉ से फ्लक्स इज इक्वल टू होता है चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और हमको निकालना क्या है, यहाँ पे चार्ज निकालना है, तो क्यू इनक्लोज इज इक्वल टू आ जाएगा फाई फ्लक्स इंटू एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू पर यूनिट एरिया, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो गया, और इसका एरिया क्या हो जाएगा 4 πa² × ε₀, और इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन कितना है ये, तो ई की वैल्यू ये रख दीजिए, a × a × 4 πa² ε₀, यानी यहाँ से आपका चार्ज इनक्लोज आ जाएगा 4 πε₀ a³, ये आपका चार्ज इनक्लोज हो गया, ठीक है। सो बहुत ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है कि अ चार्ज, इसको मैं डायग्राम से आपको समझाता हूँ। इसमें क्या कहा गया है कि एक आपका सेमी स्फेयर है, इसका रेडियस आपको ए गिवेन है, ठीक है, और इस पे चार्ज पर यूनिट लेंथ जो है वो लैम्डा गिवेन है, ठीक। तो आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। तो सिंपल सा सोल्यूशन है, आपको पता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है के क्यू अपॉन आर, ठीक। अब देखिए इसको आर मान लीजिए, ए मान लीजिए, तो मान लीजिए हमने ए गिवन है, तो ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन ए, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू हो जाएगा के अपॉन ए, और क्यू आपका कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू पाई आर। ये कैसे होगा ये बताता हूँ। तो आपको पता है कि लैम्डा इज इक्वल टू होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, और यहाँ पर लेंथ आपकी कितनी है, क्यू अपॉन पाई आर, तो यहाँ से आपका चार्ज कितना आ जाएगा, लैम्डा इंटू पाई आर, ठीक है। और रेडियस आप यहाँ पे क्या है, ए है, तो ए से ए कट जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका कितना आ जाएगा, के पाई लैम्डा, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आपका 2013 में आया हुआ है। इसमें क्या कहा गया है कि ये इस तरीके से आपको कुछ गिवन है फिगर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे मान लीजिए आपका पॉइंट ए है, यहाँ पे आपका पॉइंट बी है, और यहाँ पे आपका पॉइंट सी है, तो फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैक्सिमम एट, किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैक्सिमम होगा तो आपको बताना है। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है माइनस का डी वी अपॉन डी आर, यानी कि
ई की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। यानी कि अगर आप यहाँ पे देखें तो आ जाएगा कुछ इस तरीके से, वी ए लेस देन वी सी लेस देन वी बी, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैक्सिमम एट बी। ठीक, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो बहुत ही सिंपल सिंपल से जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सो इससे डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स नहीं होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोग अगर कोई सॉल्व करते समय किसी से नहीं होते हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं, तो उनका भी सोल्यूशन मैं दे दूंगा। उसके अलावा जो मैंने अभी स्टार्टिंग में आप लोग को बोला था कि कुछ अनाउंसमेंट करना है, सो पहली चीज़ तो ये अनाउंस करनी है कि जैसा कि ऑलरेडी कुछ लोगों को पता भी है, जो मैंने अनाउंस भी किया हुआ है कई लोगों को, कि 17 दिसंबर यानी कि मंडे को जो है ना, मोटिवेशन वीडियो जो है वो मैं डालने वाला हूँ, है ना, जो कि हर एस्पिरेंट्स के लिए, चाहे किसी ने पढ़ाई स्टार्ट की हो नहीं की हो, या जो ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर जो कोचिंग नहीं कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या कोचिंग कर रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन सारी चीज़ों को लेके जो है वो मैं वीडियो डालने जा रहा हूँ। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें और दूसरे लोगों को भी शेयर कर दें, ताकि जो भी वीडियोस मैं डाल रहा हूँ या फिर जो भी कमिंग 17 दिसंबर को वीडियो आने वाली है वो सबके लिए हेल्पफुल हो और सब लोग अपनी स्टडी को और अच्छे से वार्म अप करके पढ़ सकें। ठीक है, तो पहला अनाउंसमेंट ये था कि मोटिवेशन वीडियोस के बारे में बताना था कि वो 17 दिसंबर को आ रही है। दूसरा ये कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टॉपिक आपका लग क्लोज़ हो चुका है, सो नेक्स्ट टॉपिक कौन सा डिस्कस करना है वो जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कौन सा कर सकते हैं। ओके, थैंक्स टू ऑल।